तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू गोड्स एनी वाइट यूट्यूब चैनल। तो जो माई लाइट के न्यू गेम प्ले में आपका स्वागत है। तो भाई गेम प्ले बहुत तबाही वाला जाने वाला है, पूरा देखना। और जो भी बंदे चैनल पर नया आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर देना। सबसे पहले भाई इस गेम प्ले में यहाँ पे स्टेडियम उतरा था, मुझे यार ये मिली थी वेक्टर, सामने गाड़ी गई पर मैं उसे स्प्रे नहीं दे पाया। पर यहाँ पे एक बोट रहता है जिसको मैं मार कर उसका किल ले लेता हूँ। अब भाई इस बोट को मारते ही मेरे को यहाँ से थोड़ी बहुत लूट करनी थी और यहाँ से निकलना था, क्योंकि भाई कोई नहीं आया तो रस गेम प्ले खेलना था यार, निकलना ही पड़ेगा गन वन लेके। अब पहले तो भाई इस बोट को देख लो यार, 2XR वेक्टर में मुझसे चला लिया। भाई बंदे पता नहीं गाड़ी लेके कहाँ कहाँ जा रहे थे, ये तो साथ प्लॉट प्लाज्मा जा रहा था उधर की साइड। मैंने सोचा चलो जान दो आएंगे तो यहीं पर, तो मैंने लूट कर ली थी और फिर मैंने यहाँ से निकलने की सोची कि और बंदे बंदों को मारेंगे। अब सामने एक और बोट रहता है और ये भाई पहले दिखा नहीं था, मैंने इसे मार दिया और इसे लूटा, ज़्यादा कुछ था नहीं इसके पास, कारल थी तो मैंने यहाँ से एमओ उठा ली इसकी। और यहाँ पे फिर मैं देखने लग गया कहीं इधर अपार्टमेंट की साइड तो कोई बंदे नहीं है, और फिर मैं गाड़ी लेके यहाँ से निकलने की सोचने लग गया। तो मैं गाड़ी की साइड गया भाई। इस गेम प्ले में यार आज हम स्नाइपिंग भी करने वाले हैं, ओम भी चलाने वाले हैं, लास्ट में देखना बहुत मज़ा आएगा। मैं अगर ओम आ जाती है हाथ में यार तो चिकन डिनर भाई 100 में से 99% होना ही है, क्योंकि भाई दूर से फाइट लेने में यार ओम एक शॉट मारते ही नॉक कर देती है किसी बंदे को, चाहे उसके बाद लेवल 3 का हेलमेट हो, 2 का हो, और 1 का तो भाई सहन ही नहीं कर सकता उसके शॉट को। तो फिलहाल मैं यहाँ पर ड्रॉप लूटने आया था और इस ड्रॉप में तो भाई ओग मिलती है तो मैं ओग भी उठा लेता हूँ यार। अब भाई ओग में स्टैंडर्ड सब लग गया था यार, स्टैंडर्ड से यार अलग ही फील आती है। ऐसे स्टैंडर्ड लग जाता है तो 30 से 40 गोलियाँ हो जाती है रिलोड, तो भाई ऐसा लगता है कि जो 10 एक्स्ट्रा गोलियाँ रिलोड होती है 30 से 40 हो जाती है, तो भाई ऐसा लगता है उससे ही बंदा मरेगा। तो इसलिए भाई स्टैंडर्ड मिलते यार थोड़ा सा अलग सा फील आता है कि स्टैंडर्ड मिल गया, चलो ठीक हो गया, 40 गोली लोड होगी। यार मैंने ड्रॉप को लूट लिया था और ओक उठा लिया था यहाँ से, अभी ओक की पावर भी देखने को मिलेगी भाई। ड्रॉप वाली गन जितनी भी है सबका डैमेज भाई ज़्यादा ही होता है, तो ड्रॉप की भाई कोई भी गन मत छोड़ा करो। यहाँ पे एक और बोट मिला मुझे, इसको मैंने गाड़ी से कुचल दिया। अब मैं आगे तक गया भाई घूमने यानी बंदों को ढूंढने, तो भाई कोई बंदा नहीं मिला। इतने में आ जाती है भाई एक और ड्रॉप जो कि पीछे की साइड रहती है, तो भाई मैं गाड़ी घुमा के ड्रॉप की साइड ही जाने लग जाता हूँ, पीछे ही ड्रॉप थी। अब डाइट ड्रॉप पे बंदे मिलेंगे तो अब ओक की पावर भी देखने को मिलेगी, जिससे मैं बार बार कहीं जा रहा तो ओक की पावर देखना। अब फिलहाल मेरे को इस पीले वाले घर में छोटा सा घर है, इसमें बंदा भागता हुआ देखा, मैं सोचा आगे आएगा तो गाड़ी से कुचल देंगे, पर वो भाई ऊपर जाकर लेट के कैंपिंग करने लग जाता, तो मैंने सोची भाई सामने वाले घर पर रोकते हैं, क्या इसे मारने के चक्कर में भाई और भी बंदे आ सकते हैं ड्रॉप पर और वो हमें मार देंगे। तो गाड़ी तो मैंने दिखाने के लिए भाई सामने रोकी भाई, जिससे भाई जो बंदे रस करने आते हैं थोड़ी ये गाड़ी की स्किन को देख के थोड़े डर से जाते हैं। वो बंदा मुझे सामने दिख रहा था लेटा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे एक नेट फेंका और फिर मैंने सोची यार वो नीचे की साइड भगेगा जब डैमेज हुआ है, तो मैंने नीचे एक नेट फेंका और एक और नेट वहीं पे किया, वो चीज़ें वहाँ पे सेम नीचे, तो मैंने ऐसे ही फेंक दिया था कि उसका रास्ता बंद हो जाए और वो भाग ही ना पाए। फिर मैंने थोड़ा कुक करके और जहाँ पे पहले नेट फेंका था वहीं पे फेंका, इतने में भाई गाड़ी वाला डायरेक्ट नेट की आवाज़ सुन के वो सोचते हैं भाई यहाँ पर फाइट चल रही है, तो डायरेक्ट मेरे पर रस कर देता है और अब देखना क्या होने वाला है उनके साथ। इतने वो आएंगे, मैं ड्रिंक व्रिंक मार लेता, पर भाई आवाज़ तेज़ी आने लगी तेज़ी से। अब यहाँ पे भाई बंदे थोड़ी देर रुक जाते हैं, तो मैंने पता नहीं यहाँ पे डैमेज ज़्यादा दे दिया था उन्हें, इससे पहला बंदा तो देख सकते हो कितनी जल्दी गिरा। और ये भाई गन चेंज करने वाले, तो भाई कुछ फ़ायदा नहीं हुआ इनका भी गन चेंज करने से। वो बंदे को देखो भाई तेज फिल्म दिखा रहा है, यानी वो जितना भी अपना सामान है भाई वो गिरा रहा है इधर उधर छत पर, पूरी छत पर, और नीचे आके मरेगा वो। तो सोच रहा यार पता नहीं लगेगा बंदे को, ऐसे ही बंदे हैं। तो मैं यहाँ पे लूट पाट करता हूँ, इतने भाई बोट भी मिल जाते हैं तो शायद रियल बंदा लगता है, पर ये भाई बोट ही होता है, पर ये बच जाता है। और अभी एक दो बोट और दिखेंगे यहीं पर, ये बोट लेट जाता है भाई। मैंने सोचा यार और बंदे आएंगे पर अभी नहीं आए भाई। और ड्रॉप में बताओ भाई, गेस्ट करके बताओ वीडियो को रोक के क्या होगा ड्रॉप में। ड्रॉप में भाई तबाही है तबाही, जिसके हाथ में आ गया भाई लूट लीजिए नहीं हो जाएगा, शुरू में ही से मिल गई तो बताओ भाई गेस्ट करके। चलो भाई जिसने बताया ठीक है और जिसने नहीं बताया वो भी ठीक है। अब मैं पहले यहाँ पे बोट वोट को मार के यहाँ पे लूट नहीं जाता हूँ ड्रॉप को। और ड्रॉप में भाई होता है AWM+8X,
यानी भाई स्कोप भी साथ में दे दिया और AWM भाई मज़ा सा आ गया था यार। जैसे मैंने देखा मैंने सोचा चलो ओग और AWM चलाएंगे दोनों प्रोप की गन। अब मैंने सोची यार थोड़ी सी ओग के एमओ और मिल जाए तो कतई मज़ा आ जाएगा, यानी अब तो फोड़ के रख देंगे भाई अच्छे अच्छे बंदों को। तो मैंने सोची यार जो बंदा ऊपर वो एमओ गिरा रहा था उस बंदे के पास चलते, और यार इस मैच में भाई ड्रिंक भी मेरे पास यार 15-20 हो जाते हैं, पता नहीं मैं क्यों उठाया जा रहा था, मुझे पता भी नहीं लगा कब होगी 15-20, तभी देखना। अब मैं भाई यहाँ से इतने 5K एमओ मेरे से मेरे को दिख रही थी, मैंने उठा उठा के जल्दी से यहाँ से सारी 5K एमओ उठा के यहाँ से गाड़ी लेकर निकल लेता हूँ अपार्टमेंट की तरफ। भाई बंदे 10 ही बचे थे बचपन से ज़्यादा किल चाहिए थे अपने को, तो मैं अपार्टमेंट में जाके रोकता हूँ कि वहाँ से थोड़ा एंगल बढ़िया मिलेगा ओम चलाने का। सोच रहा था भाई अपार्टमेंट में बंदे होंगे पर अपार्टमेंट में कोई नहीं होता, तो ये ठीक हो गया था अपने लिए। अब मैंने अपार्टमेंट में बंदे होंगे इसके लिए मैंने गाड़ी थोड़ी ऐसी रोकी थी कि जैसे कूद के भागना पड़े तो एकदम से आराम से भाग सके। तो मैं छत पे जाता हूँ पहले तो एंगल एंगल ढूंढने के लिए, यानी जो भी दिखेगा उसके मत्थे पे दे देंगे ओम। तो मैं ढूंढ भी रहा था, मैंने स्कोप खोल के चेक भी किया पर आसपास तो मुझे कोई बंदा दिखा नहीं, पर भाई दूर बंदे दिखते हैं अभी देखना कैसे चटकाते उन्हें। चटकाते यार चटका तो पाता ही नहीं भाई दूर से। तो भाई सामने एक बंदे के पीछे गाड़ी भगा रहे होते हैं दो बंदे ये देखो, तो मैं इस बंदे की एक शॉट मार देता हूँ पर ये नोक पता नहीं क्यों नहीं हुआ, इसके हेड पे लगी शायद मेरे हिसाब से, तो भाई हेड पे लगी। दूसरा शॉट जैसे मारने वाला था गाड़ी बीच में आ गई, गाड़ी पे लगी तो मैंने उसकी जान भी बचाई, गाड़ी वाले डायरेक्ट आगे भाग गए और वो बंदा भी लेट के हील कर रहा होगा, मैंने सोचा चलो कोई दिक्कत नहीं। तो भाई मैंने सोची कि क्रॉसिंग कर लेते हैं और पैदल ही जाऊँगा भाई मैं आगे, क्योंकि भाई अपने पास स्नाइपर है और यार गाड़ी से पता लग जाता है तो बंदे पीछे मुड़ के देखने लग जाते हैं। तो भाई हम पैदल ही चलेंगे यार कोई दिक्कत नहीं है भाई पैदल जाने में भी, क्योंकि पीछे तो बंदे मुझे लग नहीं रहे होंगे, आगे ही होंगे जितने ही बंदे होंगे सारे। पहले मैं यहाँ पे आके रुका, भाई यहाँ पे आके क्यों रुका मैं, क्योंकि भाई गाड़ी दिख रही थी मुझे सामने और गाड़ी के पास भाई कोई बंदा लेटा हुआ हो सकता था, क्योंकि वो मेरी ड्रॉप सामने ही थी तो मेरे को लग रहा था कि तोप वोप लेके लेटा हुआ शायद। तो भाई मैं उछल उछल के चेक भी कर रहा था उसे पर भाई कोई नहीं दिखा। तो फिर थोड़ी देर में मुझे कंफर्म हो गया यार कोई बंदा नहीं है शायद। अब इतने में उधर की साइड एक फ्लेयर भी चली थी जहाँ पे वो गाड़ी लेके घूम रहे थे, तो मैं आगे फ्लेयर की साइड ही बढ़ने लग गया। तो भाई मुझे एक बंदा दिखता है जो कि भाई सामने वाली खिड़की पे नीड फेंकने वाला होता है, तो उसके एक शॉट गन एक स्नाइपर चेपता हूँ मैं और दूसरी पे नोक हो जाता है। अब उसके बंदे को भाई पता भी नहीं लगा कहाँ से चेपी उसके, तो उसको देखना उसके बंदे को कहाँ पे खड़ा होता है वो आके। भाई पबजी में ऐसे यार कौन खड़ा होता है यार, फिर पबजी खेल रहे मतलब यार क्यों खेल रहे हो भाई, डिलीट कर दो फ़ोन में से, कोई फ़ायदा नहीं है भाई ऐसे खड़े होके। यार उसे पता भी नहीं लगा भाई मैं कहाँ से आ रहा हूँ और वो क्या कहे भाई अब उसे। अब यहाँ पे भाई थोड़ा देखना यार मैं यहाँ से इसको खोल के देखता भाई ग्लिच देखो यहाँ का, ये बोस तो बच जाता है यार दोनों बार बच जाता है ये झुक जाता है, पर जैसे ही मैं उधर खिड़की पे देख यार जो बोट पहले बचा था उसको देखना कैसे हेडशॉट से मारते हैं, अभी बहुत गंदे वाला हेडशॉट पड़ता है, यहाँ से वो बच के भागा और वो भागता ही जा रहा था भाई सीधे। अब ये शॉट देखो भाई उसके हेड पे लगा और उस बंदे को मैं बहुत देर तक वेट किया, मैंने भाई जोन भी आ गया था तो यहाँ पे मुझे जोन के अंदर जाना था और दो ही बंदे बचे थे जिसमें से मुझे एक बंदा आगे भागता हुआ दिखा, तो उसके एक शॉट लगा और दूसरे शॉट में वो ख़त्म। अब लास्ट वाला बंदा था भाई वो घर वाला बंदा था, इसके साथ ग्लिच वाला सीन हो रहा था अभी देखा हुआ आपने, और वो भाग रहा है उसके भी एक शॉट मैं दे ही देता हूँ यहाँ पे और दूसरे में बच जाता, तो मैं इतने जोन में निकल लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि भाई जोन में जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि जोन आगे की साइड ही बना था। तो मैं सबसे पहले तो भाई जोन में पहुँचा और उसका वेट करने लग गया क्योंकि भाई उसे भी जोन में ही आना था, और वो भाई जो ड्रॉप के पास वो घर है वहाँ पे बैठ के हील वील कर रहा होता है, तो मेरे को भाई बहुत टाइम मिल गया था जोन में जाने का और मुझे पता था भाई 10 सेकंड ही बची थी और उस बंदे को जोन में आना था, तो भाई जोन में नहीं आ रहा था वो जोन से मर जाएगा, तो जोन में तो भाई 100% आएगा वो। तो मैं यार पहले तो जोन के अंदर जाके भाई कोई बढ़िया सी जगह ढूंढ रहा था इससे भाई बढ़िया से स्नाइपिंग हो जाए, कोई पेड़ वेड़ ढूंढ रहा था यार कोई बढ़िया पेड़ वेड़ मिल जाए इससे स्नाइपिंग करने में थोड़ी आसानी हो। तो मैंने सोचा यार ये पेड़ ठीक ही लग रहा था, पर मैंने सोचा और आगे चलते हैं। अब इधर रिच भी था तो मैंने सोची स्मोक भी है, अगर जोन उसकी साइड बना तो स्मोक से आगे जा सकते हैं हम।
तो भाई अभी इतने में मैं यहाँ पे आता हूँ और जोन देख सकते हो यार, स्टार्ट भी हो गया था और उसके जिस घर में वो था वो वहाँ पे भी आ गया था। मेरे को लग रहा था यार बस वो आगे वाले घर में ना आ जाए, कि भाई आगे वाले घर में अगर वो आता तो भाई उस बंदे को देखना यार जोन के बाहर, पता नहीं क्यों आता है भाई वो, यानी वो जोन में ही था यार, सामने वाला घर जोन में ही है। तो अब देखना उसके दो हेडशॉट पटका के, दो हेडशॉट तो नहीं लगते, पहला तो बॉडी शॉट लगता है, हेडशॉट रह जाता है थोड़ा सा रहता है बिल्कुल, और दूसरे में भाई उसके शॉट लग जाता है। वो बैरल ले ली थी उनने और ये भाई स्लो मोशन अभी हो गया था। तो यही था आज का गेम प्ले 14 किल के साथ ही जैसी कंटेनर।